साढ़े सात बजे से अपनी फेवरेट मूवी देखनी हो या फिर साढ़े सात बजे से अपने फेवरेट टीम का मैच, तो आप किसे चूज करेंगे? यहाँ पे कुछ लोग मूवीज चूज करेंगे, कुछ लोग मैच, राइट? तो यहां से देखने में ऐसा लगता है कि यार आईपीएल की सीजन के वक्त आप कोई मूवी रिलीज मत करिए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग आईपीएल देखने आएंगे और मूवीज देखने बहुत ही कम लोग आएंगे, राइट? तो उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन जाएगा। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आईपीएल का सीजन मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डाउन नहीं करवाता, या फिर कह सकते हैं अफेक्ट नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? क्या पहले होता था? क्या आईपीएल मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पहले अफेक्ट करता था? इसके ऊपर बात करेंगे। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ऑडियंस के दो सबसे बड़े सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट और मूवीज। 2008 में ये दोनों एक साथ आए थे, जहां पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान, प्रीति जिंता, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी ने क्रिकेट टीम्स को खरीदा, जिसमें बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, शेन वॉर्न ने खेला, राइट? ओवर द ईयर्स आईपीएल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और मूवीज डायरेक्टर को एक बात सताने लगी कि यार आईपीएल का सीजन इतना पॉपुलर हो गया, वहां पे अगर मूवीज हम लोग लॉन्च करेंगे तो हमें मूवी देखने कोई आएगा ही नहीं, राइट? और बहुत बार ऐसा हुआ कि मूवीज की डेट्स को शिफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारी मूवीज आईपीएल सीजन के अंदर भी रिलीज हुई और सक्सेसफुल भी हुई। आईपीएल धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा था और काफी पॉपुलर हो गया था, लेकिन उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स घुस गए। चाहे वो हरविंद सिंह का सुशांत को थप्पड़ हो, या फिर शाहरुख खान का वानखेड़े स्टेडियम में फाइट, या फिर मैच फिक्सिंग हो, या फिर स्पॉट फिक्सिंग, राइट? इन कुछ इंसिडेंट्स ने आईपीएल की पॉपुलैरिटी डाउन कर दी। और आईपीएल की पॉपुलैरिटी जैसे ही डाउन जाने लगी, मूवी ओनर्स को लगा कि यार अगर मूवीज आईपीएल सीजन के अंदर हम लोग रिलीज करते हैं तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और आप देखिए ना, बहुत सारी सुपरहिट मूवीज जैसे बाहुबली 2, RRR, KGF 2 आईपीएल सीजन के अंदर ही रिलीज हुई और सुपरहिट भी रही। तो अब आते हैं उस शुरुआती सवाल पर। अगर आपको साढ़े सात बजे से मैच देखना हो अपने फेवरेट टीम का, या फिर साढ़े सात बजे से अपनी फेवरेट मूवी देखनी हो, तब क्या देखेंगे? मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा।